लालगंज में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। अब आम आदमी के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी इसके शिकार हो रहे हैं। लालगंज प्रखंड कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो ग्रामीण आवास सहायक कोरोना का शिकार हो गए। उनमें से एक की हालत इतनी नाजुक हो गई कि वह प्रखंड कार्यालय परिसर में ही छटपटाने लगा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आनन फानन में दोनों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ टेस्ट कर प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया। इनमें से एक कर्मचारी प्रताप टांडका तो दूसरा जारंग का रहने वाला बताया गया है। वहीं रेफरल अस्पताल के एक लैब टेक्नीशियन के भी संक्रमित होने की बात सामने आई है। लैब टेक्नीशियन पटना का रहने वाला बताया गया है। घटना के बाद से लालगंज प्रखंड कार्यालय और रेफरल अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना से बचने के लिए लालगंज के बस स्टैंड समेत विभिन्न चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व सीओ संतोष कुमार, बीडीओ पुलक कुमार और थानाध्यक्ष सीबी शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बस और ऑटो सवार यात्रियों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ चालकों को हिदायत दी गई कि 50% से अधिक यात्रियों को न बैठाया जाए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन्हें जुर्माना भी लगाया गया। यात्री पर होगी और आपको पता होना चाहिए कि गृह विभाग विशेष शाखा पटना के द्वारा आदेश जारी है कि जितनी क्षमता आपकी गाड़ी की है उसे 50% भी अपनी गाड़ी में यात्री को सवार करेंगे। सभी दुकानदार यह भी सुनिश्चित कर लें कि 7 बजे के बाद किसी प्रकार दुकान का संचालन नहीं किया जाएगा। अगर दुकान पाया जाता है 7 बजे के बाद तो बिना कोई नोटिस के आपको सील कर दिया जाएगा। आपके 18 पैसेंजर से ज्यादा नहीं, लास्ट के साथ में रिजर्व कर लिए थे ना सर हम लोग। हाँ आप छोड़ दीजिए सर, जाने नहीं था सर, इसी के पता नहीं था सर, जाने दीजिए सर, बता दीजिए आप बच्चा।